छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर चरणदास महंत ने रविवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ में धान को लेकर जो सवाल उठा गया है उस पर विष्णुदेव साय सरकार व उनको चलाने वाले किसी भी मंत्री या अन्य नेताओं का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। बेहद दुख की बात है। डॉक्टर महंत ने सवाल किया है कि क्या साय सरकार ने मान लिया है कि भाजपा सरकार में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। डॉक्टर महंत ने यह भी कहा कि प्रदेश में विपक्ष सकारात्मक भूमिका के साथ जनता के दुख दर्द और समस्याओं को प्रमुखता से उठा रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर महंत ने कोरबा जिला व उससे लगे जिले में हाथी अभयारण्य बनाने की वकालत करते हुए कहा कि इस मुद्दे को बिना किसी राजनैतिक चश्मे से देखने के बजाय केंद्र व प्रदेश सरकार को इसमें ठोस पहल किया जाना चाहिए, जिससे क्षेत्र में हो रहे हाथी व मानव द्वंद को रोककर जन व धन हानि को रोकने कारगर कदम उठाए जा सके। आज से नहीं, जब से मंत्री था तब से प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ हाथी का अभयारण्य बन जाए, जहाँ हम हाथियों को रखा जाए और दुर्घटनाओं से बचा जाए। मगर न तो हमारी सरकार के समय ही कुछ हो पाया, न भारतीय जनता पार्टी सरकार कुछ कर रही है। ये सामाजिक और मानवीय दुख का कारण है कि हम कोरबावासी, कोरबा के लोग, कोरबा के आसपास के लोग हाथी से बहुत परेशान हैं और इसका तत्काल कोई ना कोई हल। रायपुर में लड़ाइयाँ हो गई हैं, उनके जो लोग हैं वो NSOI वालों को शामिल करना चाहते हैं, शामिल करना के लिए वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। पुलिस को रिपोर्ट हो रही है, हमारे अध्यक्ष जी को जाके थाने में बैठना पड़ रहा है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अभी ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी है कि सदस्यता अभियान जारी कर रहे हैं। उनको कर रहे हैं चले, मगर कम से कम ये समझ में तो आए, पंचायत चुनाव के लिए कर रहे हैं, नगर पालिका चुनाव के लिए कर रहे हैं, कि जैसा सुन रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उस समझ से पड़े। 16 अरब रुपए के जो बकाया राशि का उन्होंने निकाला है उसका अर्थ स्पष्ट है कि NMDC को किसी तरीके से बदनाम करके उस लेखपाल को सौंप दिया किसी को, इसे रोकने की तैयारी है। 16 अरब रुपए जब अभी का तो हो गई, 10 साल का है, 10 साल का, 5 साल का, आप कलेक्टरों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? किसी कलेक्टर को आपने नोटिस दिया गया कितने से बकाया है? कलेक्टर वहाँ क्या कर रहे थे? जितने कलेक्टर आए हैं उनकी जांच होनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि जब आपके पास बकाया राशि है तो आप वो बस्तर का जंगल वहाँ बिताने अग्नि को सौंपने आए थे, सौंपना है NDMC का जो है सब, तो कह रहे हैं। दूसरे कह रहे हैं कि यहाँ वातावरण देख रहे हैं कि जितने भी खदानें हैं कूड़ा की हैं, चाहे हमारे डोलोमाइट की हैं, चाहे अब नया खदान कटघोरा में खुलने वाला है, और यहाँ पर यूरिया की भी खदानें हैं, कैसे मैनेज करें अपने लोगों के माध्यम से, ये